हाँ भाई बच्चो हो कैसे हो जैसे एलसी हाँ तो आप सब जानते हैं कि फिजिक्स के 20 टॉपिक बना के जिसको पहले हमने नाम दिया था पंच उस पंच को मॉडिफाई करके दोस्तों अपना नाम दे दिया रिवाइज नीट फिजिक्स इन 40 आवर्स 40 घंटे में नीट की कंप्लीट फिजिक्स को हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं चालीस घंटे में कैसे हमने पूरी फिजिक्स के बीस टॉपिक बनाए और एक वीडियो डेढ़ से दो घंटे के बीच है तो देखा जाए तो चालीस घंटे भी नहीं है ये यदि ईमानदारी से आप सी एल सी के बीस 20 के बीस 20 वीडियो को बिल्कुल अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में या अपने टीवी में लगा के और सामने बिल्कुल मन से बैठ जाओगे कागज पेन हाथ में लेके समझते आगे बढ़ोगे तो ये दावा नहीं है ये अनुभव है हमारा कि छब्बीस जुलाई को ऑलमोस्ट यहां से पेपर आपको मिल जाएगा उसके बाद आपको प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन नीट के 2013 से लेके 2019 तक के हमने सारे दे रखे हैं उनको देख लें बार बार एक बात कह रहा हूं 2013 से 13 टू 19 तक के नीट के प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन और फिजिक्स, पंच, पंच फिजिक्स के लेक्चर फिर हमारे सात आठ नौ हमारे किशोर से अपलोड किए अब दसवा टॉपिक वापस में आ रहा हूं एक आर डी सर आएंगे इसमें मेरे अन्य साथियों की भी हेल्प ले रहा हूं मैं जो आपको अपलोड कर रहे हैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे मैं करूं बट कई बार हम चाहते हैं हमारे कई साथी मिलकर आपके लिए हम काम करें ठीक है डियर शुरू करें बात तो ये आपका टॉपिक है हीट ट्रांसफर थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमीटर तो टॉपिक नंबर 11 और 12 ये पूरा हीट पे है जिसमें के भी आएगा आगे थर्मो भी आएगा कुल उनके बात है कि जहां से एग्जाम में करीब दो से पांच तो क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार दो कम से कम आने होते हैं मैक्सिमम पांच भी दोस्तों आ सकते हैं ओके बात शुरू करें आओ डियर क्वेश्चन पढ़े पढ़ लिया बड़ा स्पष्ट कहता भाई एक कोई लेड, लेड बुलेट है की गोली है जो ठोस पदार्थ में पिघल धस गई पिघल जाती है इसमें एनर्जी उसको गर्म करने में काम आती है तो वो कहता गोली की इनिशियली स्पीड क्या है यदि गोली का प्रारंभिक टेम्परेचर ट्वेंटी डिग्री है इसका मेल्टिंग पॉइंट थ्री ट्वेंटी सेवन डिग्री है यह आपकी हीट दे दी या आपकी स्पेसिफिक हीट दे दी बात को तो समझना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है साहब कहता है कि ए, ए, एक, एक लेड की गोली ठोस पदार्थ में के पिघल जाती है ठीक है, है पेज इसमें गोली आई और गोली आके इसमें धस गई तो गोली इसमें धस गई तो, तो गोली दोस्तों सबसे पहले कौन सी एनर्जी भी घूम रही है हाफ एम स्क्वायर एनर्जी आप जानते एनर्जी कांट क्रिएट कांट डिस्ट्रॉय ना ऊर्जा नष्ट होती है ना ऊर्जा पैदा होती है एनर्जी केवल अपना फॉर्म चेंज करती है अब यह हाफ एम स्क्वायर इसमें इसमें आई इस आने के बाद अगला कहता है कि इसकी इसमेंट एनर्जी ही यहां कन्वर्ट हुई बाकी 50 खत्म आवाज में खत्म हो गई स्पार्किंग खत्म हो गई तो इसका इतना पार्ट काम आया इसको गर्म करने में लेकिन अगला कहता बुलेट जो है वो मेल्ट हो गई ओ भाई गोली पिघल भी गई है तो दोस्तों ये इक्वल टू होगा एमएस डी टी प्लस एम एल एम एस डी टी तो क्या कर रहा है उस ब्लॉक का टेम्परेचर बढ़ाने में खर्च हो रही है और एम एल उस गोली को पिघलाने में खर्च हो रही है दिस इज फेज कन्वर्जन यहां गोली पिघल रही है तो फेज कन्वर्जन हो गया ये आपके सामने सिंपल फॉर्मूला बोलो हाँ या ना हाफ एमयू स्क्वायर बुलेट के पास एनर्जी थी जो किसी टारगेट में जाकर धस गई लेकिन उसकी सारी एनर्जी का क्वेश्चन दिखाना बेटा एक मिनट बैठा स्पष्ट कहता भैया फिफ्टी परसेंट काम आ रहा है अगले के तो देखो दोस्तों वापस आओ तो हाँ एम स्क्वायर को दो से डिवाइड कर दिया अब यदि वो कहता कि हाउ मच इंक्रीज इन हाउ मच इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर तब तो हम केवल कहते काम लेते हैं बट वो बंदा कहता हो मेल्ट हो गई मेल्ट होगी दोस्तों कुछ एनर्जी उसको मेल्ट करने में खर्च हुई एक एनर्जी खर्च हुई टेम्परेचर इंक्रीज करने में एक एनर्जी खर्च हुई इसको मेल्ट करने में ओके डियर आ जाओ भैया अब आप जानते हो एम 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 कैंसिल आउट ओके डियर थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसको तो वी अपॉन फोर इक्वल टू एस डी टी प्लस एल आप क्वेश्चन में आ जाओ भैया फिर पढ़ लो क्वेश्चन लो अब इसको मिटा दूं मैं आपके लिए मैं फिर लिख लूंगा ए, मिटा देता हूं लो अगला कहता है एक लेड की गोली ठोस पदार्थ में धसके पिघल जाती है उसकी फिफ्टी परसेंट एनर्जी उसे गर्म करने में काम आती है और उसकी चा, इनिशियल चाल बताओ गोली का टेम्परेचर ट्वेंटी डिग्री है और इसका मेल्टिंग पॉइंट थ्री ट्वेंटी डिग्री है ये दोस्तों एल का मान है और ये एस का मान है और चेक करना एल क्या है जूल पर केजी जी किसमें है एम में ये भी क्या है जूल पर केजी पर केल किसमें है एम के इसमें कहीं चेंज नहीं करना है क्लियर अब मैं आपकी बात यही कर दूं ए क्या लिखा था मैंने वी स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू क्या था एस डी टी प्लस एल याद है ना अभी क्या ना हमें क्या चाहिए दोस्तों हमें अगले स्पीड पूछी है तो स्पीड पूछी है तो लो ए दोस्तों वी इक्वल टू क्या होगा इस फोर को इधर ले आओ तो फोर को इधर लो ये क्या है एस डी टी प्लस एल मैं तेरे लिए पूरी बात करना चाहूंगा इसको दो को बाहर निकाले रूट भेजा एस डी टी प्लस एल बोल हा या ना, बोल बोल से कर यार मेरा काम केवल सोल्यूशन कराना नहीं है मैं तो तेरे साथ चल रहा हूं ओके डियर तू बता खुद को है क्या ठीक है कलर चेंज कर लेने ले, अपने पास सुविधा है तो तू तो खुद कह रहा है वी इक्वल टू टू एस स्पेसिफिक हीट कितने भैया 125 दोस्तों ये कई बार कैलोरी वृद्धि होती है तो गड़बड़ कर जाती है कैलोरी नहीं जूल में चाहिए देखो कितने है भाई 125 बोल हा या ना मल्टीप्लाई डीटी डीटी क्या है टेम्परेचर चेंज अगर साफ कहता है पहले किस पे थी 27 पे अब किस पे है 327 पे तो दोस्तों कितना हो गया 300 एक बात ध्यान देना रहे जब टेम्परेचर का चेंज होता है तो कैलिविन में चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि दोनों में 273, 273 ऐड करके वापस माइनस करेंगे तो हमेशा वही आ जाता है इससे जरूरत नहीं पड़ती उसकी और तो दोस्तों एल कितना है तो खुद कह रहा है एल बोरा तेरे सामने कितना है भाई टू पॉइंट फाइव टेन टू पावर फोर तो तू कहे तो इसको मैं पच्चीस हजार कह दू टेन टू पावर थ्री आएगा ना बस इनको दोस्तों आप अब अगली गुणा भाग में नहीं करूंगा इसको मल्टीप्लाई करें इसको ऐड करें ये दोस्तों है छह लाख पच्चीस हजार के आसपास कुछ आएगा शायद तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर अब आएगा इसके जो वो होता आप जान दो पचास का स्क्वायर होता है उसका इसका होगा टू फिफ्टी इसको दो सौ मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों आंसर आपका क्या आ गया फोर आगे तो कर लोगे यार कर ले भाई मैंने किया है मूल बात क्या है पुत्र पेज खाली करना मूल बात इसमें यह है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी जो हाँ, की है, उसका 50% परसेंट जो है वो एम एस डी प्लस एम एल में खर्च हो रहा है, दोस्तों, टू। ये थर्मल का ये बहुत है। मैं इस क्वेश्चन पे जाने से पहले आपसे थर्मल एक्सपेंशन की बात करता हूं पेज खाली करें भाई देखो दोस्तों थर्मल एक्सपेंशन का मतलब सीधा सा है ये कोई रोड है बहुत पतली है गर्म करोगे तो केवल लंबाई में चेंज होगा मान लो कि वो चादर टाइप में है तो उसकी लंबाई फैलेगी चौड़ाई फैलेगी तो वो एरिया को प्रभावित करेगी मान लो गोला है तो उसका आप क्या जानते हो लंबाई भी है चौड़ाई भी है मोटाई ऊंचाई कुछ ही बोल दो उसका वॉल्यूम चेंज होता है तो रोड है तो लेंथ में चेंज होगा ए, कोई कॉन्टेक्ट एरिया है तो उसके एरिया में चेंज होगा और वॉल्यूम काउंट हो रहा है तो वॉल्यूम में चेंज होगा इसका दोस्तों मास्टर फॉर्मूला बनता है एल इक्वल टू एल नोट वन प्लस डी टी बोलो भैया एल जीरो डिग्री सेल्सियस की लंबाई अल्फा थर्मल एक्सपेंशन डी टी चेंज इन टेम्परेचर एल टी क्या है टी डिग्री सेल्सियस पर इसकी लेंथ अब यदि तू इसको एरिया पे लेके आएगा तो दिस इज एटी ए नोट वन प्लस बीटा डी टी बीटा किस एरिया के साथ वोल्यूम की बात करें तो वी टी वी नोट वन प्लस गामा डी टी एक बात सुनो यहां से दोस्तों बहुत अच्छा फंडा है गामा इक्वल टू थ्री अल्फा होता है और बीटा इक्वल टू टू अल्फा होता है क्यों गामा में लेंथ तीन बार आती है तो तीन बार चेंज होगा एरिया में लेंथ लेंथ मतलब यूनिट ऑफ लेंथ

तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया चल थोड़ी बात और सुन ले यदि यही बात मैं तेरे से रेजिस्टेंस में करूंगा तो ऐसा नहीं पढ़ाता हूं क्या बोल गया आर टीवल टू आर नोट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी हाँ ना तो ये मास्टर कॉन्सेप्ट है डी टी चेंज इन टेम्परेचर अल्फा उसका एक्सपेंसर कोफिशिएंट कौन सा एक्सपेंसर कि टेम्परेचर के साथ कोई चीज कितना एक्सपेंड कर रही है नोट का जीरो का मतलब होता है जीरो डिग्री पे और टी का मतलब उसके टी डिग्री पे जिस डिग्री पे आप दस पे बीस पे काम कर रहा तो आप देखो दोस्तों कॉमन फॉर्मुला हमारा हो गया ओके हाँ डियर समझे मैंने कॉमन बात आपको मैंने कहा ना केवल क्वेश्चन करना मेरा टारगेट नहीं है अब दोस्तों प्रश्न पे आओ अब आप लोग खुद आपने फुटबॉल हो जाएगा अगला साफ कहता है, आप क्वेश्चन पढ़ लो पढ़ लिया

पेज खाली करके इसको बड़ा साफ कर लेते हैं अगला साफ साफ कहता है डियर वी इक्वल टू वी नोट वन प्लस गामा डेल्टा टी आजा भैया वी नोट इक्वल टू वी नोट वी नोट, वी नोट गामा डेल्टा बोलो 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 मेरे साथ आया ना आजा जा डियर तो वी माइनस वी नोट इक्वल टू क्या है ये ले भैया ये कौन हो गया डेल्टा भी बोल आया ना डेल्टा भी बोल यार डेल्टा वी वी नोट गामा डी ठीक है डियर लेट तेरे लिए ले और कर दू तेरे को क्या चाहिए डेल्टा वी चाहिए डेल्टा वी चाहिए व्हाट इज वी नोट तो वी नोट क्या होगा चार बट्टा तीन पाई आर क्यूब गामा क्या होगा थ्री अल्फा डेल्टा टी क्या है डेल्टा टी है क्यों पहले क्या है टी है फिर क्या किया है टी से डेल्टा टी किया हाउ मच चेंज डेल्टा टी दोस्तों ये थ्री से आउट थ्री कर दो तो डेल्टा का मान क्या आ गया पाई डी टी क्यूब बोलो हा अब जरा आप क्वेश्चन में आ जाओ दोस्तों अब क्वेश्चन में आ जाओगे तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये फोर पाई आर क्यूब अल्फा डेल्टा टी वापस अठाना फोर पाई अल्फा डेल्टा टी क्यू क्यूब वापस क्वेश्चन दिखा दोस्त कलर चेंज कर दूं तेरा ये रहा सामने बता कहा दिक्कत है क्लियर थैंक यू आ जाओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री देख लो सिंपल लीनियर एक्सपेंशन पे है देखो साफ कहता है क्वेश्चन पढ़ लिया ये यूनिफॉर्म मेटल रोड इज यूज्ड टू एज बार पेंडुलम कोई दिक्कत नहीं है

एल की पावर वन बाई टू दोस्तों ये फंडा होता है फिजिक्स का चेंज अपॉन डेटा जानते हो ये फिक्स होता है चेंज अपॉन डेटा इक्वल टू हाफ तो नीचे आ गया ना वन बाई टू नीचे आ गया ओके अब अपन देखो फॉर्मूला काम लेते हैं क्या फॉर्मूला था अपना एल टी इक्वल टू एल जीरो वन प्लस डेल्टा टी एल टी एल नोट अल्फा डेल्टा टी उसको उधर ले जाओ एल टी माइनस एल नोट इक्वल टू एल नोट अल्फा डेल्टा टी ठीक है डियर अब आप ये क्या है क्या डेल्टा है? बस हो गया तो डेल्टा एल अपॉन एल नोट इक्वल टू क्या है अल्फा डेल्टा टी कहने का मतलब ये है ये इतना तेरे इसलिए समझाया गया है कि डेल्टा टी अपॉन टी वन बाई टू और ये रिप्लेस बाई क्या कर दो अल्फा डेल्टा टी बोलहा आना

दस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना डी कितना टेम्परेचर है दस तो दोस्तों ये टेन टू पावर थ्री तो आपके सामने क्या बच गया टेन टू पावर माइनस थ्री आंसर निकालना भैया ए टेन टू पावर माइनस थ्री वन अच्छा प्लस या माइनस प्लस क्योंकि इंक्रीमेंट वृद्धि का है आंसर आ गया अरे बात सुना रही है क्या थैंक यू दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर सबसे आसान सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आया हुआ है देखो मोटी बुद्धि की बात है जब भी किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं ना तो उसके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होता है नाइनटी नाइन परसेंट में बहुत कम चीजें ऐसी हैं कि जिसको गर्म करने से जिसके वॉल्यूम में डिक्रीमेंट होता है पानी में भी ऐसा ही होता है गर्म करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन कुदरत का एक बड़ा खेल है शुरू में इसमें एक असंगत प्रसार होता है अनसिमेट्रिकल एक्सपेंशन होता है जीरो डिग्री से यदि आप पानी को गर्म करना शुरू करते हो डियर तो रूल क्या कहता है कि इसका वॉल्यूम हमेशा बढ़ना चाहिए लेकिन दोस्तों जीरो से चार डिग्री तक इसके वॉल्यूम में कमी होती है ध्यान दे क्लास डेंसिटी इक्वल टू एम अपॉन वी यह वाटर में रही है जी, जीरो से चार डिग्री पे जाओगे तो कॉमन सेंस की बात क्या कहती है वॉल्यूम बढ़ना चाहिए लेकिन जीरो से चार तक वॉल्यूम में कमी होती है चार डिग्री पे दोस्तों वॉल्यूम होता है इसका मिनिमम इसके बाद झील के नीचे पानी होता है और ऊपर की झील जम जाती है इसीलिए नीचे की मछलियां जिंदा रहती है भाई जी भगवान ने सब कुछ मैनेज कर रखा है बस इसका नाम है पानी का असंगत प्रसार अनसिमेट्रिकल एक्सपेंशन ऑफ वाटर एक अपना बात बस इसका कर्व खंचे। तो इसका कर्व आता है चार डिग्री पे ये तो थोड़ी है अब लो क्या कहता है एक बीकर को चार डिग्री पे पूर्ण पानी से भरा हुआ है यह छलकेगा दोस्तों चार डिग्री पर है पहले से चार डिग्री पर पहले से है अब यदि गर्म करोगे ना तो वॉल्यूम में क्या होगा इंक्रीज होगा बस इंक्रीज होगा तो गर्म करो या ठंडा करो अच्छा एक बात और गर्म करेगा तो भी बढ़ रहा है ठंडा करेगा तो भी बढ़ रहा है इससे पानी भारी आएगा क्यों चार डिग्री पे इसका वॉल्यूम मिनिमम है इधर लाएगा तो बढ़ेगा इधर लाएगा तो बढ़ेगा ये बहुत बड़ा हो गया क्लियर थैंक यू दोस्तों ये एक अच्छा क्वेश्चन है थ्योरी का एक फॉर्मूला पता ना आपको इलास्टिसिक ऑफिशियंट में ये गामा होता है गामा इक्वल टू तो हम सब जानते हैं दोस्तों क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ओके ये थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं तो स्ट्रेस क्या होता है याद करो एफ अपॉन ए होता है और स्ट्रेन क्या होता है डेल्टा एल अपॉन एल होता है बेसिक ही e होता है अब इस क्वेश्चन में दोस्तों सिंपल बात है इस क्वेश्चन में फालतू बात कर रहा है कोई फोर्स नहीं है भाई कोई फोर्स नहीं है तो दोस्तों कहने की बात ही नहीं है कोई स्ट्रेस नहीं है कोई स्ट्रेस नहीं है तो कोई स्ट्रेन नहीं है, तो है. आंसर क्या हो गया जीरो क्लास मैं इसको आप इसको वाई कह दो एक ही बात है कोई गामा बोलता कोई वाई बोलता है ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन स्ट्रेस ए होता है स्ट्रेन डेल्टा एलपोन याद करना स्ट्रेस की जो यूनिट है वही गामा की होती है क्योंकि बहुत क्वेश्चन क्यों, तो अपने आप में और आप जानते अपॉन क्या होता है प्रेशर तो वो यूनिट किसकी होती है प्रेशर की होती है तो प्रेशर स्ट्रेस प्रेशर स्ट्रेस इन सभी डायमेंशन सभी एक ही होती है एग्जाम आता भैया किसकी सेम है मेडिकल में तो आया हाँ ना थैंक यू तो दोस्तों पहले पांच क्वेश्चन थे वो थर्मल एक्सपेंशन पे थे ये आपका आ गया हीट पे. हीट आप प्रकार का होता है कन्वेक्शन कंडक्शन और रेडिएशन ये किसका पार्ट है रेडिएशन का हेलो किसका पार्ट है रेडिएशन का साफ साफ ब्लैक बॉडी आ गई कौन हो गया रेडिएशन रेडिएशन में किसका नियम है ये विन का

है, T1, वन T1 कितना है भैया 2000. हजार टी कितना है 3000. और लेमडा कितना है पहले पार्ट किसका है रेडिएशन का उसका कौन सा हिस्सा है वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ लेमडा ऐसे सुनो भाई पूरा ऐसे होता रहे लेमडा एम बोलते हैं इसको लेमडा एम इन प्रोपोर्शनल टी ओके थैंक यू और सुनो यहां एक बात और करना चाहूंगा कलर जैसे होते है ना जब किसी बॉडी को गर्म करते हैं देखो बॉडी गर्म करते हैं तो सबसे पहले जितना ज्यादा लेमडा होता है टेम्परेचर कम होता है तो पहले बॉडी लाल दिखती है ना फिर लाल से होते होते कलर चेंज करते करते लास्ट में क्या हो जाती है वाइट हो जाती है तो व्हाइट बॉडी ज्यादा गर्म होती है आप देखो ना अब तो बंद हो गए पहले हीटर हुआ करते थे हम जब बच्चे थे तो हीटर की कोई थी पहले कोई लाल होती थी फिर कलर चेंज करते 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 वो व्हाइट हो जाती थी ओके थैंक यू दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवन ध्यान से देख लो भाई ये ब्लैक बॉडी का एक अच्छा क्वेश्चन है यहां एक शब्द काम आएगा ई हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन क्षमता और इंग्लिश में बोलते हैं इमेसिव पावर इमेसिव पावर का सही मतलब है मैं हिंदी में बोल दूं एक बार कि किसी तप्त गोला गोला ग्रहण किसी तप्त गोले के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में उत्सर्जित एनर्जी किसी हॉट बॉडी से यूनिट टाइम में उसके यूनिट एरिया से इमिट हीट एनर्जी उसमें ऊर्जा थर्मल बोल दो एनर्जी उसको अपन कैपिटल ई कहते हैं लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं कि बॉडी का एरिया ए हो टाइम आपका टी हो तो इसका जो डीक्यू बन जाता है वो दोस्तों बन जाता ई ए, ए डी है माना एरिया ए है तो ए से मल्टीप्लाई कर देंगे माना टाइम का चेंज डीटी है तो डी इधर कोई चेंज होता है तो इधर कोई चेंज आ जाता है अब थोड़ा सा लोग आपके लिए आगे बढ़ाऊं इस डी क्यू डीटी कर दू तो ये तेरा क्या बच गया ई ए और दोस्त डी क्यू बाई डी टी क्या होता है पावर भूल गया क्या डी क्यू क्या है, हीट, हीट है? जूल, जूल सेकंड क्या होता है वाट वाट क्या होती है पावर तो डियर तो ये तेरे सामने पावर इक्वल टू क्या आ गया ई ए और दोस्तों ई ए क्या होता है याद तो स्टीफन का नियम हेलो हेलो वाट इज ई सीटी फोर किसका नियम स्टीफन का नियम तो P इक्वल टू सिग्मा टी फोर ए अब दोस्तों क्वेश्चन में आ जाओ अगला कहता है कि P समान है P क्या है देख सुन P क्या है कांस्टेंट सिग्मा क्या होता है कांस्टेंट तो T4 और A क्या है वेरिएबल है तो मेरा मास्टर फंडा है भैया जो वेरी करता है उनके पीछे 1 2 लगा दो बस आ जाओ जी जरा पेज खाली कर ले भैया तो तेरे सामने सामने है कलर चेंज करना पड़ेगा ये कलर से पे दोस्तों एरिया क्या होता है फोर पाई आर स्क्वायर तो वो फिर कॉन्स्टेंट है तो आर वन स्क्वायर अपने आर वन स्क्वायर आर वन स्क्वायर टी वन, वन फोर आर टू स्क्वायर टी टू फोर जरा तो क्वेश्चन दिखाना मेरे को किस से पूछा रहा है

ये पूरी बात करी तेरी बट इसका दोस्तों बताओ रियल फॉर्मूला क्या है इसका रियल फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू ई वैल्यू वन हो जाती है जब इसकी वैल्यू वन नहीं हो इसकी वैल्यू पॉइंट एट है, है रियल दोस्तों किसी भी बॉडी से जो हीट निकलती हुई होती है और इसको और ढंग से लिखूं तो यह है सिगमा टी फोर ए, टी ए। है रियल फॉर्मूला ये हीट ये ऊर्जा है ये स्टिफन कांस्टेंट है ये टेम्परेचर है ये एरिया है ये टाइम है और ये इमिसिविटी है इमिसिटी इमिसिविटी बोलते हैं इसको जिसके कोई यूनिट नहीं होती है हा या ना जिसकी वैल्यू जीरो से एक के बीच होती है आइडियल ब्लैक बॉडी है तो ई की वैल्यू वन होती है और व्हाइट बॉडी है तो ई की वैल्यू जीरो होती है क्लियर हाँ ना थैंक यू दोस्तों क्वेश्चन नंबर एट कंडक्शन क्वेश्चन है कंडक्शन में मैं आपको कहना चाहूंगा जैसा रेजिस्टेंस में होता है जैसा प्रतिरोध में होता है बिल्कुल सेम यहां वैसा होता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इसका नाम होता है थर्मल रेजिस्टेंस कहीं को फर्क नहीं है लो मैं थोड़ा समझा दू आपको लो पेज खाली कर दे इस पर बाद में जाता हूं मैं दोस्तों हम सब जानते हैं यह कोई वायर है माना उसकी लेंथ एल है उसका क्रोस्ट्रक्शन एरिया ए है और इसकी रेस्टिविटी रो है तो सीधा लिख दू आर इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए वहां याद करो इसका वो, वोल्टेज माना वोल्टेज वी, वन, वी है वी वन है उसका वी टू है तो वहां करंट फ्लो होती है दोस्तों याद करो वहां जो करंट होती है आप याद करो दोस्तों वी इक्वल टू आई आर तो आई इक्वल टू वी बाई आर वी बाई आर का मतलब होता है वी वन माइनस वी टू आर आप जानते हो वी हमेशा वी से बड़ा है तो करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज बहती है कहने की बात ही नहीं है तो दोस्तों जैसे यहां आई है ऐसे यहां एच हाँ आएगा और ये आएगा थीटा वन माइनस थीटा टू आर इसके आर टी लगा दे इसके आर ई एल लगा दे है। मैं तेरे काम कर रहा हूं दोस्तों आर रो एल अपॉन वहां दिस इज इलेक्ट्रिक करंट दिस इज थर्मल करंट एच इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन आर थर्मल का मैं कोई गड़बड़ नहीं यहां तक अब दोस्तों ऐसे ही अपन इसको आगे बढ़ाएं कि माना कि एक कोई कंडक्टर है इसमें कोई क्यू हीट वहां कौन फ्लो होता है चार्ज यहां कौन फ्लो होगी हीट याद करना है i equal to dq by dt होता है h भी dq by dt है बट i equal to dq by dt में q चार्ज है या h equal dq by dt में हीट है दोस्तों ये आपके सामने है माना कि इसकी लंबाई l है इसका टेंपरेचर थीटा वन है इसका टेंपरेचर थीटा टू है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया माना कि a है तो मैं इसको मिटा के दोस्तों मैं बात को आगे बढ़ाऊं तो मेरा जो q होता है वो होता है k थीटा वन माइनस थीटा टू एल मल्टीप्लाइटी बोलो बोलो बच्चों क्यू कौन है हीट कौन है थर्मल कंडक्टिविटी ए कौन है सेक्शन एरिया थीटा वन हाई टेम्परेचर थीटा टू लो टेम्परेचर एक एक शब्द काम आया गया टेम्परेचर ग्रेडियंट ताप प्रवणता वो हमेशा नेगेटिव होती है तो एक्चुअली तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है बट नेगेटिव कारण क्या हो जाए इनिशियल माइनस फाइल हो जाएगा तो थीटा वन माइनस थीटा टू एल ओके डियर इस अच्छा अब एक काम इसमें कोई चेंज कर दे तो तो जानता जब कोई दाएं हिस्से में चेंज होता है तो बाएं हिस्से में चेंज करना होता है किसमें चेंज कर दो समय में चेंज कर दो ओके डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू के ए थीटा वन माइनस थीटा टू बाई बोल हाँ ना अब तू डी क्यू क्या है एच ये क्या है L क्या है ये क्या है दोस्तों पढ़ाया थोड़ी देर पहले एच इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू बाई आर तो दोस्तों दोनों चीजें एक ही है चाहे तो रेजिस्टेंस की बात कर लो चाहे थर्मल की बात कर लो ओके ये मेरा एक समझाने का पैटर्न था अब इस बात को अपन आगे बढ़ाते हैं ओके थैंक यू आ जाओ अब क्वेश्चन पे आते हैं बात ले ना मैं इसको 100 परसेंट कन्वर्ट करूंगा प्रतिरोध में क्योंकि वो आपके बहुत पहले सीरीज में है तो करंट सेम होगी तो यहां एच सेम होगा पैरल है तो वोल्टेज सेम है तो थीटा वन थीटा टू सेम हो वहां वोल्टेज डिफरेंस सेम है या टेम्परेचर डिफरेंस सेम है बस आजा पढ़ क्या कहता है इसलिए पढ़ ले ले पढ़ लिया अगला साफ साफ कहता भाई ए स्लेब कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल लेयर्स ऑफ टू डिफरेंट ए ये ये ले पैरेलल लेयर ले। एक ये है, एक वायर है इसको मैं ऐसे कहूं सुन 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 लड़के ये ऐसे है यार दो तार समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं पहले ही पटरी बात रे। दो वायर कहां जुड़े हुए हैं पैरेलल पैरदल फटफट पूरी बात है अगर साफ कहता है एक पट्टी का समान मोटाई की दो विभिन्न भी समान मोटाई का मतलब दोनों का एरिया क्या हो गया समान, लेकिन दोनों अलग अलग हैं अलग अलग हैं तो इसकी कंडेक्टिविटी इंपोर्टेंट होती है जबकि यहां कंडक्टिविटी इंपोर्टेंट है वहां रो है जो ऊपर होता है यहां के है जो नीचे होता है तो उल्टा होता है, है, बस रो है आर इक्वल टू रो एलअपोन ए यहां के है दोस्तों रो है के चालकता है तो तो कॉमन सेंस की बात है उल्टे होने बस आ जाओ अब इन परतों की उस बात चालकता केवल तो मिश्रण की तुल्य धारिता क्या है साफ कहता है कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी निकालनी आपको आ जाएगा क्लियर ध्यान सुन ले भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये तेरे सामने दो चीज रखी हुई है ठीक है लड़के अगला साफ कहता पैडल कॉम्बिनेशन है हमें इसका रिजल्टेंट क्या निकालना है जी के तुल्य धारिता का मतलब या कैपेसिटी नहीं है रहे के निकालना है कोई गड़बड़ चल भूल जा ये शुरू कर ये तू करता तो मुझे बता रिजल्ट आर क्या बनाता रहा तू बोल बना हाँ या ना भूल जा तो फिजिक्स को तो क्या लिखता वन अपोन R इक्वल टू वन अपोन आर वन प्लस वन अपोन आर टू पेज खाली करना भाई एक बार अब आजा जा वन अपोन आर वन और वन अपोन आर टू करता ये तो कहता तू आजा जी आर इक्वल टू क्या होता है रे रो एल अपोन ए आर इक्वल टू क्या होगा रो एल अपोन ए जब तूने इसको रिजल्टेंट कर दिया तो ए क्या हो गया टू ए नहीं हो गया क्या ए क्या हो गया टू ए हो गया आजा तो वन अपोन रो एल अपोन टू ए इक्वल टू आर वन है तो आर वन क्या कहेंगे रो वन रो वन एल ए प्लस रो टू एल ए क्योंकि एल बराबर ए बराबर तो देख तू तेरे सामने एल 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 कैंसल आउट कर दे ए ए, ए कैंसल आउट कर दे तो क्या बचा रहा है टू अपॉन रो इक्वल टू रो वन प्लस रो टू यहां तक हो गया अब मैं तो फॉर्मूला रो पे खड़ा हूं मुझे मुझे रो नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए कंडक्टिविटी तो जस्ट उल्टी होती है यार। निकालना oh, तो भैया तो के वन प्लस के टू बटे टू देख टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी का पढ़ा क्या रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि वो तेरे को ज्यादा आता है वो नहीं आता है तो नमस्ते भाई मैं कुछ नहीं कर सकता थैंक यू दोस्तों लो मैं के बाद पहले आपको हूं बारह करवाता हूं ताकि एक फ्लो बना रहे आठ ग्यारह बारह सेम कॉन्सेप्ट में तो आप लोग पहले क्वेश्चन में ग्यारह देख लो आजा पढ़ लो उसको क्या कहता है लो आठ ग्यारह बारह लगातार करेंगे तो मेरी जो बात मैंने समझाई है ना वो तेरे और बेटर प्ले पड़ जाएगी आजा वो कहता समान मोटाई के वन के टू उसमें चालक लगते धातु की दो प्लेट के प्रश्न को सटाकर एक संयुक्त प्लेट बनाई इस प्लेट की धारिता क्या है मुझे एक बात बताओ दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर क्या आपका इलेवन है क्लियर ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया ये सीरीज हो गया ये क्या हो गया सीरीज एक प्लेट ऐसे रखी सटा के रखी है ऐसे रखी बस हेलो अरे भोले आदमी दो वायर कहां जोड़ दिए

और इक्वल उनकी थिकनेस है डियर कहने का मतलब है सीरीज कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रो निकालना है बट रो का क्या निकालना है यहां पर के निकालना है पेज तो पेज खाली खाली करें खाली किया कहने मतलब यह ये 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 तेरा के टू है, है ये एल है ये भी ए है, ये है, ये एल है इसका जो रिजल्टेंट आर होगा वो क्या होता है आर वन प्लस आर टू ओके डियर आर क्या है रो एल अपोन एक्वल टू रो इसको दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना टू एल तो रो एल अपोन रो ए और दोस्तों ये क्या हो गया रो टू एल अपोन ए बोल या ना भाई रो मल्टीप्लाई टू एल लेंडबल होगी ना बस ए से ए मल्टीप काट दे एल से एल कैंसिल कर दे तो तेरे सामने क्या आ गया रो टू रो रो इक्वल टू क्या गया है रो वन प्लस रो टू अब वही बात है रो दोस्तों प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा के सिंपल कहानी है तो दोस्तों ये क्या हो गया टू अपॉन के इक्वल टू वन अपन प्लस करूंगा यार टू अपोन के वन के टू एलसी में ले लो तो के वन प्लस के टू अब दोस्तों के उधर ले जाओ तो टू के वन के टू अपोन के वन प्लस के टू आंसर निकालना भैया

टिकल कनेक्टिंग दिस फिगर पॉइंट ए एंड डी आर में टू हंड्रेड डिग्री ट्वेंटी डिग्री द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन बी बी का टेम्परेचर बताना है देख रहे है भाई ये दोनों वायर ये चार वायर एक जैसे हैं ये भी आर ये भी आर ये भी आर ये भी आर, ये भी आर है। क्या कहता ब्रिज रिजल्टेंट बी आर खाली कर इसका अर्थ ये है डियर ये तीन वायर है एक बार क्वेश्चन देखना है मेरे को वापस ये पॉइंट है ए ये पॉइंट है बी ये पॉइंट है सी ये पॉइंट है डी दिस इज 200 डिग्री सेल्सियस और दिस इज 20 डिग्री सेल्सियस ओके वापस क्वेश्चन देखा मेरे को दोस्तों इसकी वैल्यू भी क्या है आर इसकी वैल्यू भी क्या है आर और इसकी वैल्यू भी क्या है आर बस टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस है ये बी पॉइंट है यह सी पॉइंट है यहां भी आर यहां भी आर वहां भी आर 200 डिग्री सेल्सियस है ओके मिटा दो क्वेश्चन को यह मिटा दिया अब आप क्वेश्चन में आ जाओ डियर अगला साफ कहता है तो इस इस पॉइंट का आपको क्या निकालना है भैया टेम्परेचर निकालना है तो देख मैं तेरे लिए दोबारा बनाता हूं पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी ये कितना रे दो सौ डिग्री सेल्सियस ये कितना रे बीस डिग्री सेल्सियस ये भी आर ये भी आर ये भी आर ओ मेरे भाई आर 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 तीन कुल है ना सीरीज में है करंट सेम होगी ये 200 डिग्री वो 20 डिग्री टोटल कितना हुआ 180 डिग्री 180 डिग्री तीन जगह बट जाएगा 60 60 60 पे इसका मतलब यहां से, यहां से तक आते आते 60 60 गिर गिर जाएगा गिर जाएगा तो इसकी दोस्तों वैल्यू आ गई 140 डिग्री फिर 60 गिरा दो तो दोस्तों 60 कम करो तो कितना आ गया रहे? 80 डिग्री फिर 60 कम कर दो 20 डिग्री क्या पूछा अगले भाई जी बी का पूछा है आंसर है वन फोर्टी जी क्या दिक्कत है यार बता कहाँ दिक्कत है तो गोले ना कंडक्ट थर्मल कंडक्टिविटी को यार आर 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 तीन जगह हो गया हर पे साठ साठ गिरा दो सौ में साठ कम करो वन फोर्टी okay, हाँ दोस्तों हम पहले थोड़ा आगे चले गए आगे जाके हमने ग्यारह कर लिया बारह कर लिया नौ और दस को वापस अब करेंगे कारण वो जुड़े हुए थे दोस्तों नौवा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैं यहाँ एक बात कोट करना चाहूंगा मेरा प्रीवियस पेपर में टॉपिक वाइज सोल्यूशन जो है वहां भी एक क्वेश्चन है बट वहां इस क्वेश्चन की लैंग्वेज प्रॉपर नहीं है तो सुन लो मैं इसको आज ठीक कर देता हूं यहां पर

dt अब इसमें एक बात करनी पड़ेगी अपने को इसको आपको ऐसा करो इसको वन बोल दो इसको वन बोल दो दूसरा क्या है एल टी वन टू एल जीरो टू वन प्लस अल्फा टू डी टी जीरो अपनी जगह है वन का मतलब एक रोड के लिए टू का मतलब दूसरी रोड के लिए अगला साफ कहता भाई लंबाइयों का जो अंतर है वो टेंपरेचर डिपेंड नहीं करता है लंबाइयों का अंतर का मतलब क्या है लंबाइयों का अंतर है एल टी वन माइनस एल टी टू तो बात हुई ना एल टी वन तो दोस्तों एल टी वन की बात अपन करें तो व्हाट इज एल टी वन एल जीरो वन प्लस अल्फा वन एल जीरो वन डी टी माइनस एल जीरो टू माइनस एल जीरो टू अल्फा टू डी टी ये किसके बराबर है भाई ये इसके बराबर है ठीक है डियर अपन इसको मिटा देते हैं लोग अब आपको देखो एल टी वन माइनस एल टी टू आपके सामने सामने है एल जीरो वन माइनस एल जीरो टू इसको एक तरफ करो अब इधर देखो दोस्तों आप इसका डी टी बाहर निकालो डी टी बाहर निकालो तो अल्फा वन एल जीरो चेंज कर दो माइनस 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 है ना एल टू एल जीरो अब तो खुद कह रहा है कि ये दोनों चीजें क्या है इक्वल है कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो जीरो कर दिया ये दोस्तों आपका सॉरी डी टी नहीं आएगा भाई डी टी तो ये जीरो हो गया तो तेरा एल्फा वन एल वन माइनस अल्फा टू एल टू इक्वल टू जीरो जीरोल अल्फा वन इक्वल टू एल टू अल्फा टू ये तेरे सामने आंसर आ गया थोड़ा ठीक क्वेश्चन था ये

लेकिन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपके रिवीजन के लिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करवा देता हूं ठीक है आप क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ो एग्जैक्ट नंबर ही है अगला कहता है पेंडुलम है घड़ी तो और पेंडुलम घड़ी बात है में लगा तो क्या पेंडुलम को जीरो डिग्री सेल्सियस में सही टाइम देती है उसका अल्फा अल्फा आप जानते हो डिग्री पर सेल्सियस होता है और ताप में टी डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट हो तो प्रतिदिन घड़ी द्वारा सेकंड में कितनी कमी हो जाएगी तो कॉमन सेंस की बात है टेम्परेचर बढ़ेगा डियर आप साफ ताप में इतनी वर्दी हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका टाइम बढ़ेगा टाइम बढ़ेगा तो दोस्तों निश्चित बात है सेकंडों में कमी हो जाएगी आओ पेज खाली करो पे शुरू करते हैं लो जो। देखो स्टार्ट बात से करेंगे टी बराबर टू पाई रूट एल वाई जी तो टी डायरेक्टली कर दू डी हाँ कह रहा हूं, तीन है, मैं एजिट लिख सकता हूं लेकिन मैं बार बार एक बात कह रहा हूं नीट तेरह से उन्नीस तक के प्रीवियस पेपर के वीडियो सोल्यूशन केमिस्ट्री बायो के इसके अलावा इस पंच के सोल्यूशन छसो नंबर तो यू आ जाएंगे मन से करके तो आज मैं बात आपसे कर रहा हूं ये दो जून को एग्जाम अब भी छब्बीस जुलाई को भाई और आपको पता है आपके अपने सीएलसी एल चार जून से डेली टेस्ट स्टार्ट करने जा रही है चार जून से लेके बीस जुलाई तक तो रोज टेस्ट है मेडिकल दोस्तों मतलब मजा आ जाएगा आपको हर संडे मेजर और हर वीक आपका पार्ट टेस्ट आप जुड़े रहे संस्था के साथ जब मैं यार खुद बोर्ड पे चौकले खड़ा हो गया चार साल के बाद वापस तो आप तो यार कुछ भी कर सकते हो बच्चो हो गए अब देखो अब डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू फिर निकाल दो आपके लिए देखो दोस्तों आप जानते हो एल वन प्लस अल्फा डी टी अब एक बार ध्यान हाँ सुनना यदि ये जीरो और टी लेते हो तो यहां केवल टी भी लिख सकते हो क्योंकि डी टी क्या है फाइनल इनिशियल मैंने एल तो एक थोड़ा अच्छा लगता है कि चेंज है टेम्परेचर सॉरी टेम्परेचर टेंप, में चेंज है एल टी इक्वल टू एल जीरो अल्फा डी टी दिस इज एल टी माइनस एल जीरो अल्फा एल ये तरह क्या है डेल्टा एल बोल बोल तो ये तेरा डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा एल नोट डीटी रे पहले पढ़ रही है जाग 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 सो मत दिस इज अल्फा डीटी तो कहने का मतलब है इसको सीधा रिप्लेस भी कर सकता था मैं लेकिन नहीं मैंने पूरा आपको किया है डेल्टा टी अपॉन टी वन 1 टू दिस इज अल्फा डीटी ठीक है डियर ये डीटी कौन है भाई पलट के डीटी है टेंपरेचर

कैपिटल डी कैपिटल टी इक्वल टू हाफ अल्फा डी मल्टीप्लाई कैपिटल टी ओके ये तेरा हाफ ये तेरा अल्फा डी तेरा क्या है आ रहा क्वेश्चन बनाओ वापस क्वेश्चन बनाओ वापस डी दोस्तों क्या है टी है डी क्या है टी है और ये टी तेरा कितना है छियासी हजार हाँ, हाँ, चार सौ आंसर आ गया तेरा ओके okay. आंसर निकाल भैया तो तेरे सामने सामने हो रहा ए मिटा दो तो सॉल्यूशन को हाफ एल एल दोस्तों छियासी कौन सा था क्वेश्चन नंबर ये बिल्कुल दोस्तों दोनों सेम क्वेश्चन है ओके थैंक यू दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फोर्टीन नंबर क्वेश्चन एक तरह से ऐसा है कि किसी वस्तु को एक किसी रिंग को किसी सिलेंडर पे चिड़ाना है ना गर्म करके फिट कर देते हैं ना कोई क्वेश्चन है बस अगर साहब कहता है ये तीस डिग्री ताप पे एक सेंटीमीटर व्यास वाले वेदन को एक अन्य स्टील प्लेट इसका इतना डायमीटर है समानता फिट करना है दोस्तों तो ताप में कितनी वृद्धि करनी होगी देखो दोस्तों लंबाई बोल दो चाहे डायमीटर बोल दो बात एक ही है तो आप जानते हो एडज फॉर्मूला क्या होता है एल टी एल नोट प्लस एल नोट अल्फा डी टी तो तेरे सामने है एल एल एन टी नोट इक्वल टू क्या है एल नोट अल्फा डी टी ये तेरा क्या है चेंज तो अब तू कह इसको डेल्टा डी कह तू तो तेरे लिए समझने के लिए डेल्टा डी डी नोट अल्फा डीटीए की बात है अरे लंबाई बोल दे डायमीटर बोल दे अब तो क्या चाहिए यार टेम्परेचर बढ़ दी चाहिए तो व्हाट इज डीटी टी के डी नोट अल्फा व्हाट इज डेल्टा डी हेलो वन माइनस पॉइंट नाइन 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 डी नोट भी क्या वन तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर फर्क नहीं पड़ता अल्फा की वैल्यू है मल्टीप्लाई टेन टू पावर माइनस एग्जैक्ट आंसर आएगा पच्चीस डिग्री सेल्सियस ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस करके देख लेना ठीक है थैंक यू दोस्तों क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सी इक्वल टू एम एस एस स्पेसिफिक हीट एम मास सी थर्मल कैपेसिटी धारिता कहते है, का मतलब तो होता है एक ग्राम पदार्थ का एक डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट होती है वो स्पेस हीट कहलाती है लेकिन दोस्तों माना कि मास एम ग्राम हो गया तो उस एस को एम से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके बन जाएगी थर्मल कैपेसिटी आपकी धारिता बन जाएगी तो कहता पिंड पिंड का मतलब कोई भी तो इसको बोलें थर्मल कैपेसिटी इसको बोलेंगे थर्मल कैपेसिटी यदि ये ग्राम होता फिर आ गया हो पे आ गया। मैं फिर बात नहीं कर, करता मतलब तो फिर आऊंगा रेस्टिडेंस पे आऊंगा पढ़ ले क्या कहता है यदि किसी बेलनाकार छड़ में प्रवाह की दर दोस्तों कोई छड़ है बेलनाकार मान लो से बेलन क्या फर्क पड़ता है एच वन ठीक है इसके इस सिरे का टेम्परेचर क्या है टी वन इसका क्या है टी टू यदि तापमान को नियत रखते हुए छठ की सभी विमाएं दुग्नी कर दी जाए तो उवाह की दर का सभी विमाएं सभी डायमेंशन डबल कर दी जाए देख सुन लड़के इसका एच क्या होता है इसका एच होता है के ए थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन एल बोलो हयाना भाई एक ही बात है यार एच इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई टी एक ही बात है यार टी से मल्टीप्लाई कर दे आप तो खुद कह रहा है सब कुछ डबल कर दिया ए में एरिया में क्या आता है एरिया में दोस्तों आर का आएगा तो 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 इसको इसको भी डबल किया, इसको भी डबल डबल किया किया तो यहां यहां दो तो दो आया यहां चार आया चार तो कितना बचा दो, तो दोस्तों जो पहले एक था तो H2 H2, ले भाई, मुझे कहां दिक्कत है, है, है यार। कुछन 17, कुछन 17, तो अच्छा की बात ही नहीं है अच्छा होता है ये चौक का नियम है ओके 18 एक तारे को दिरे दिरे करते हैं। दोस्तों गर्म करेंगे याद करो टी लेमडा के, है, या दोस्तों टी के है। बात है कि जैसे जैसे टी बढ़ेगा वैसे 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 अब लेमडा घटेगा तो दोस्तों पहले सबसे पहले दिखाई कौन सा देगा ज्यादा वाला वो कौन है लाल याद है ना लाल की सबसे ज्यादा होती है रेड वॉलेट की सबसे कम होती है विभग्री होती है ना वॉलेट से लेके रेड हिंदी बोलते हैं बेनी आहा पीना बैंगनी, नीला आसमानी हरा पीला, नारे ऐसे एक सीक्वेंस होती है ओके थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ये मिश्रण के नियम का मिक्सर के नियम का बहुत प्यारा क्वेश्चन है दी गई इक्वल टू ली गई गी उषमा गिवन हीट इक्वल टू टेकन हीट ये तो भूल जाओ क्या कहता है इससे मतलब नहीं मेरे को कई बार दिसंबर के महीने में हमें मानो नहाना है तो हमारे घर में एक गर्म नल का पानी होता है एक गर्म पानी का नल होता है एक ठंडे नल होता है हम कुछ पानी निकालते हैं ठंडे नल से कुछ पानी निकालते हैं गर्म नल से और फिर मिलाते हैं ना तो वो जो पानी है वो ठंडे से तो गर्म होता है और गर्म से ठंडा होता है तो मिश्रण के नियम में मिक्सर के नियम में पहली बात तो है गिवन हीट इक्वल टू टेकन हीट दूसरा दोस्तों याद करो जिन दो लिक्विड को मिलाएंगे तो रिजल्टेंट छोटे वाले वाले से से बड़ा होगा होगा और और बड़े वाले से छोटा को मिलाओगे ना तो कॉमन सेंस की बात है एक टेम्परेचर बारह डिग्री का पानी है एक बीस डिग्री का पानी है तो कभी दोस्तों बढ़ के उसका टेम्परेचर बीस डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता क्लियर बात होगी बस ये कॉन्सेप्ट है इसमें आ जाओ दो तो साफ कहता है ए बी सी समान द्रव्यमान वाले हैं लिक्विड अलग अलग है भैया एस ए अलग है एस बी अलग है एस सी अलग है ए और बी को आपने अगला साफ कहता है ए और बी को मिलाया लो मैं आपके लिए अलग अलग कर देता हूं उनको ए ए ए ए ये 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 लो जी बी ये ये बोले तो पूरा छोड़ करूंगा आपके लिए मैं बारह डिग्री सेल्सियस बी बोले तो नाइन डिग्री सेल्सियस और इसका रिजल्टेंट एंड टेम्परेचर क्या हो गया सिक्सटीन डिग्री सेल्सियस चलो जी कलर चेंज करूं आपके लिए आप दूसरे पे आ जाओ दूसरे में क्या कह रहा है भैया स्पष्ट कहता अगला बी और सी को मिलाया थोड़ा सा लंबा लग रहा है लेकिन जरूरी बोलता है ये ये बी को मिलाया ये सी को मिलाया बी बोले तो ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस और, तो और इनको मिलाने के बाद रिजनल क्या हो गया थर्ट ट्वेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस अब वो कहता ए और सी को मिलाऊ कलर चेंज कर ले रहे ए और सी को मिला ए ये ले ये तेरा ए और ये तेरा सी ए बोले तो भैया वही है ट्वेल्व डिग्री सेल्सियस और सी बोले तो 28 डिग्री सेल्सियस इनको मिलाए तो रिजल्टेंट टेम्परेचर क्या होगा बोल हाँ बस खाली कर दे मेरे को भैया तू बस डियर शुरू कर दू हीट इक्वल टू टेकन हीट 12 से 16 पे आएगा बताओ उसमा लेगा देगा लेगा लेगा ना ओके मास बराबर है तो मास का एम ओन एम टू नहीं लगाएंगे सीधा करूंगा बोले एम एस ए सोलह माइनस बारह बोल पले पड़ी कि नहीं पड़ी बोल बोल एम एस बड़ा माइनस छोटा फिक्स होता है इसमें बड़ा माइनस छोटा ओके इक्वल टू एम तो फिर एम रहेगा एस बी बड़ा माइनस छोटा उन्नीस माइनस सोलह ना बिल्कुल रहे ओ भाई कहीं कंफ्यूज नहीं होना है कलर चेंज कर ले कलर दिखता नहीं बोर्ड पे बैठा भैया ये क्या बचा एम एम कैंसिल आउट ये चार है ना फोर एस ए और थ्री एस बी एक इक्वेशन बन गई दूसरे पे आ लाइन खस दे दूसरे पे क्या कहेगा तेरा वही एम एस बी तेईस माइनस उन्नीस बोल तेईस माइनस उन्नीस इक्वल टू एम एस सी अट्ठाईस माइनस तेईस बोलो बोलो भाई सही कर हूं एम एम कैसे रहो तेईस से उन्नीस कितने बचे चार तो तेरा कौन है फोर एस बी से तेईस पांच बचे ये फाइव एस सी ये दो इक्वेशन आ गई तेरी बस अब इससे तू फाइंड आउट कर ले अब तू तीसरे पे क्या कह रहा है कि मुझे छीटा नहीं चाहिए इसका ले मैं लगे हाथ इसका भी थोड़ा कलर चेंज करके तो लिख तू तो क्या लिखेगा ये तो लिखेगा ना इस पे एस नो क्या लिखेगा तू एम तो एम है एस ए एस ए बड़ा माइनस छोटा कॉमन सेंस की बात थीटा बड़ा यहां पर थीटा माइनस ट्वेल्व इक्वल टू एम एस सी एस सी अट्ठाइस माइनस थीटा इसमें तो थीटा माइनस अट्ठाइस से अट्ठाइस थीटा बस ये तेरे सामने आ गया अब भैया तू खुद देख ये कौन है तेरा फोर एस बीवल टू फाइव एस सी अब देख दे और सी है तो याद सी को ए में कन्वर्ट कर दे ए को सी में कन्वर्ट कर ले अपने को इसको काटना है एम एम तो अपने को कैंसिल आउट करना ही करना है ओके डियर अब एक बात दे एस एस ए इक्वल टू क्या है थ्री बटे फोर एस बी क्लियर और एस बी क्या है मैं थोड़ा सीधा करते थ्री बटे फोर तो है व्हाट इज एस बी एस बी क्या होगा फाइव बट्टे फोर एस सी फाइव बट्टे फोर एस सी बता है भाई एस बी क्या होगा फाइव बट्टे बस डियर थोड़ा सा कलर चेंज कर ले तेरे लिए तो एस ए की वैल्यू आ गई पांच पंद्रह चार चौक सोलह एस सी बस अब तेरी इच्छा है इनको मिटा दे देख चुका अब तेरी इच्छा है उसको मिटा दे चाहे एस ए को गायब कर दे चाहे एस सी को गायब कर दे कोई मना नहीं करता एस ए गायब कर दे तो एस ए क्या होगा रहे? 15 अपॉन सिक्सटीन सी थीटा माइनस ट्वेल्व एस सी ट्वेंटी माइनस थीटा एस सी सी कैंसिल आउट है ओके डियर आपने एस ए को रिप्लेस कर दिया कुछ नहीं करना अब देखो सिंपल आपका कैलकुलेशन है दिस इज 15 थीटा माइनस क्या है 180 ये दोस्तों 16 को 28 अठ, से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई 448 448 16 थीटा 16 इधर लिया आओ तो थीटा प्लस हो गया और ये दोस्तों उधर जाएगा तो ये आप कितना हो गया देखना 62 628 और ये तेरा कितना है 31 थीटा ओके okay. अब दोस्तों 20 प्लस आएगा ऑब्जेक्ट निकालना ए ये 20 प्लस है ऑब्जेक्ट निकालना भाई आप देखो ए इसको मिटा दूं मैं ये 20.3 डिग्री आपका आंसर आ गया कहने का मतलब ये है कि तो क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा थोड़ा सा बाकी यहाँ एक कॉन्सेप्ट दी गई बराबर लीगी और बड़ा माइनस छोटा जब दो को मिलाओगे तो रिजल्टेंट छोटे वाले वाले से बड़ा होगा होगा और बड़े छोटा जब दोनों के मास सेम हो चीज का ये कॉन्सेप्ट है इसमें मास सेम नहीं हो तो तो अलग हो सकता है हो सकता है छोटा छोटा हो जाए पानी और ठंडा हो जाए ठीक है ठीक है तो ये आपके सामने बीस पॉइंट आंसर आ गया तो बार बार क्या कह रहा हूं कि क्वेश्चन लंबा था करना पड़ा एग्जाम नहीं करेंगे ऐसा हम क्या कह रहे हैं कि समान मास के लिक्विड से मिलते हैं समान मास थोड़ा बोलना पड़ेगा यहां पर तो दोस्तों रिजल्टेंट टेम्परेचर छोटे वाले से बड़ा होगा और बड़ा से छोटा होगा तो यहां बताओ कौन सा होगा ए का टेम्परेचर है बारह सी का है अट्ठाईस बारह और अट्ठाइस के बीच दोस्तों ए के आंसर है आंसर क्या है बीस पॉइंट तीन ये एग्जाम की ट्रिक तो देखिए तो तब कर पाता आदमी जिस तो टॉपिक आपका पूरा सेट है

तो स्केल के क्वेश्चन में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए इसका एक मास्टर फॉर्मूला है फेज, फेज खाली करना बार। इसका मास्टर दम, फॉर्मूला टी माइनस टी लोअर टी अपर माइनस टी लोअर ये इसका मास्टर फॉर्मूला होता है बस कहीं जाओ चाहिए आप यही फॉर्मूला काम आएगा सब जगह इसमें ठीक है डियर अब अगला साफ कहते हैं इसमें ए और बी दो क्वेश्चन है ठीक है ना तो एक बार आप मैं इस पेपर को हाथ में लेता हूं। बड़ा थोड़ा सा दोस्तों स्पष्ट दिखाई दे रहा है और x एक एक्स एक पे b है तो a तो 180 है बट इसका लोअर कितना दोस्तों थर्टी डेढ़ सौ ना और बी का जीरो से कहां तक है हंड्रेड तक वो बात, बात, बात बस क्या क्या, क्या पूछता है चित्र में दो पैमाने ए और भी दिखाए गए हैं A का 150 है बी के इन दोनों पैमानों को आपस में बदलने के लिए कौन सा बदलते हैं ना यार अपन? एक मिनट आप सब जानते हो दोस्तों अच्छी तरह से कैसे पैमाने बदले जाते पेज खाली करना एक मिनट आप अच्छी तरह जानते हो दोस्तों पैमाने बदलने के लिए भूल गए क्या दिस मेल्टिंग पॉइंट This is point. ये है, तो ये जीरो होता है, ये सो होता है याद करो ये रूमर पैमाना है तो ये जीरो होता है यदि फेरनाइट पैमाना है तो याद करो दोस्तों कितना होता है ये थर्टी टू होता है और ये है. औ, दो सो आठ होता है दो सो बारह एक सौ अस्सी डिफरेंस करना डिफरेंस आपको दोस्तों ये आपका 32 है और ये आपका 212 है और यदि इसको लें केल्विन में तो आप जानते हो दोस्तों ये दो होता है और ये तीन होता है लो मैं बात सुना आपको ये पैम स्केल हो गई ये सेल्सियस पैमाना रूमर फारेनहाइट और केल्विन यानी सेल्सियस पैमाने में फ्रीजिंग पॉइंट क्या मिलते पॉइंट बोल दो? जीरो बोलिंग पॉइंट हंड्रेड रूमर में जीरो अस्सी फारेनहाइट में दो सौ बारह दो सौ और तीन सौ यहां पहला प्रश्न जहां पानी जमना वहां जमेगा मेरे साथ हो जाओ। जहां पानी जमना वहां जमेगा जहां उबलना वहां उबलेगा पैमाने जब नहीं थे तब भी पानी फ्रिज होता था तब भी पानी बोइल होता था पैमाने चीज को मेजर करते हैं, पैदा नहीं करते दोस्तों यानी फ्रिज होने से लेके बॉइलिंग तक यहां सो खाने हैं तो यहां ऐसे सो सेक्शन बनेंगे यहां दोस्तों आप देखो 80 सेक्शन बनेंगे यहां 180 सेक्शन बनेंगे या फिर दोस्तों 100 सेक्शन बनेंगे पहला क्वेश्चन सबसे छोटा खाना किसका है का का है 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 उतनी दूरी में एक 180 हैं। सबसे बड़ा खाना किसका है? रूमर का है। और सेल्सियस का और कैलिविन का बराबर होता है इसलिए सेल्सियस का डिफरेंस और डिफरेंस कैलिविन का दोनों इक्वल होते हैं उनको कभी भी दो सौ तेतर दो सौ तेतर जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है क्लियर अब मैं तेरा रूल लगाऊं उसके ऊपर आजा जा टी सेल्सियस माइनस जीरो upon हंड्रेड माइनस जीरो याद है टी सेल्सियस सी के लिए लोअर अपर माइनस आ आजा टी रूमर माइनस जीरो अस्सी माइनस जीरो आ जा टी फेरडेहाइट माइनस बत्तीस दो सौ बारह माइनस बत्तीस उसको भूल जाए एक बार अरे याद आ गया क्या ये यहीं से आता है ये देख टी सी वाई हंड्रेड टी आर वाई एट्टी और ये देखे टी एफ माइनस बत्तीस अपॉन वन ठीक है डियर थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर दूं तो 20 से भाग दे, दे दे देख एक कलर चेंज कर कितना बहुत सुंदर लगता है मेरे को यार सी लिख दूं तो सी में 20 का भाग दे पांच ये तेरा आर में 20 का भाग दे चार ये तेरा दोस्त एफ माइनस बत्तीस बटी नाइन भूल गया, गया।, आ गया? बाई फाइव आर बाई फोर एफ माइनस बत्तीस बटेना याद करें डिग्री चालीस वो होता जो बराबर होता है ये ऐसे बनते हैं स्केल। Lower point, upper point. फिर सुन ले. सबसे बड़ा दिग्री, दिग्री एक खाना किसका है रूमर का है उससे छोटा किसका है सेल्सियस या केल्विन का है सब छोटा किसका है फर्नाहाइट का है। क्योंकि दूरी फिक्स है उतनी दूरी में एक जगह अस्सी खाने करने हैं, कहीं सौ खाने करने का एक सौ सी खाने करने अब तो पहले बड़ी बात बस ये मिटा दो ये मिटा दिया अब दोस्तों अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं और क्वेश्चन में इससे देख लेता हूं ताकि मेरे को कुछ दिक्कत नहीं आए तो दोस्तों आप जानते हो टी ए माइनस तो इसका लोअर है 30 अपर कितना दोस्तों 180 लोअर कितना है 30 और दोस्तों टी बी का लोअर कितना है 0 अपर कितना है 100 माइनस 0 ये ले भाई मेरे तो दोस्तों दिस इज टी ए थर्टी अपॉन वन फिफ्टी टू टीबीड दोस्तों ऐसा कौन सा है स्पष्ट दिखाई 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 दे दे रहा रहा आंसर भैया साफ साफ आपका सेकेंड आंसर हो गया ओके मिटा दू ए, ये तेरा सेकेंड आंसर आ गया तो मैंने तो पूरी बात समझा दे रहा भाई मेरे ओके थैंक यू दोस्तों क्वेश्चन ट्वेंटी वन सेम क्वेश्चन ट्वेंटी है देखो एक सेंटीग्रेड और एक फाइनइट ताप मापी, उबलते हुए जल में एक सेंटीग्रेड है एक है। जल का तापमान तब तक कम किया जाता जब 140 तो कहने का मतलब है का 140, कितने डिग्री सेल्सियस से बराबर है इसका अर्थ यह है कि फार्नेट का वन डिग्री एक बात सुना देख लिखा हुआ क्या से। लिखा एक सौ ये तो है संख्या इसका मतलब है खाना और इसका मतलब पैमाना 140 सेक्शन है किस पे सेल्सियस पैमाने पे ठीक है डियर एक एग्जांपल दे रहा हूं समझने के लिए मैं या पढ़ने बात का मैं समझा रहा हूं आपको कि ऐसा कहीं लिखा हुआ हो जैसे मैं आप मिटा दूं कि कहीं लिखा हुआ हो 80 डिग्री आर इसका मतलब 80 खाने हैं इसका मतलब खाने किस पे रूमर पैमाने पे अब आ जा अब तेरे प्रश्न पे आ तेरे को ये करना फरेनहाइट का 140 कितने डिग्री सेल्सियस बराबर है आ यार एफ माइनस थर्टी टू बटे नाइन सी अपॉन फाइव आ जा एफ कितना रहे? वन फोर्टी माइनस थर्टी टू अपॉन नाइन सी अपॉन फाइव ठीक है भैया अब आप निकालो वन फोर्टी में से निकालो थर्टी टू कितना बचा भाई वन जीरो एट। वन जीरो एट में नौ का भाग कितनी बार जाएगा बराबर बारे नमा एक सौ आठ बोले पढ़े याद है भैया बचपन के स्कूल के बहुत काम आ रहे हैं ये बारह और सी का मान बारह पंजो 60 डिग्री सेल्सियस तो दोस्तों आंसर क्या आ गया सिक्स डिग्री सेल्सियस ओके आंसर क्या बोला साठ डिग्री गलत बोल गए ना प्रश्न क्या पूछता है कितना गिरेगा पहले कहाँ था सोपे अब कितना आया साठ तो कितना हुआ रहा है फोर्टी ये नहीं मैं इसको दोस्तों दोबारा शूट भी कर सकता था उसी शूट भी बोल रहा हूं मैं ताकि इस प्रकार की मिस्टेक्स नहीं करें मैं सूट कर रहा हूं क्लास को मैं इसको डिलीट मार के दोबारा सूट कर सकता था बिल्कुल दोस्तों मैं भी गलती करके देखा जाए तो ये अखीर गलती हुई मेरे से ही। लेकिन जैसे मुझे लगा यार नहीं नहीं तो आ, आंसर तो ये नहीं होना चाहिए अभी निकालना तो आंसर नहीं था दोस्तों तो कहने का मतलब कंसेंट्रेशन होना बहुत जरूरी है तो सिक्सटी डिग्री टेम्परेचर है तो हंड्रेड सिक्स पे आया सिक्सटी पे तो कितना गिरा अगला साफ कहता है ना फॉल इन टेम्परेचर फोर्टी डिग्री ओके थैंक यू हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर बाइस देखो भाई क्या है

पहले जीरो डिग्री की आइस है वो जीरो डिग्री वाटर में आएगी और यदि दस डिग्री का पानी जीरो डिग्री के पानी पे भी आ जाए तो दोस्तों कितने हीट देगा ये Q इक्वल टू एम एस डी टी एम बोले तो पांच एस बोले तो एक डी टी बोले तो दस तो दोस्तों ये हमें केवल क्या देगा पचास कैलोरी मैं कैलोरी बोल रहा हूं भैया क्योंकि मैंने इसको CGS में लिया है और ऐसको लेकिन दोस्तों एक ग्राम बर्फ को पिघलाने में भी मुझे कितना चाहिए एक ग्राम बर्फ पिघलाने के लिए मुझे कितनी चाहिए अस्सी कैलोरी तो दोस्तों, दोस्तों मुझे एक, एक ग्राम बर्फ को जीरो डिग्री के के पानी में पिघलाने लिए मुझे अस्सी कैलोरी चाहिए लेकिन यदि मेरा पूरा का पूरा पानी जीरो डिग्री आ जाता है और अपनी पूरी हीट दे देता है तो भी कितनी देता है फिफ्टी कैलोरी तो हकीकत तो में दोस्तों ये बर्फ और पानी का एक मिक्सर हो जाएगा कुछ बर्फ है

क्या हो गया जीरो और खास बात है लेकिन इस पात्र में अब भी जीरो डिग्री की और वाटर का है। है? ना तो कोई दो पॉइंट लगा दो उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बढ़ नहीं सीधी सी बात है छोड़ छोड़ो यार ते चदर नहीं पले पड़ी एक गुब्बारा है जब गुब्बारे हवा नहीं भरी होती है ना तो दो पॉइंट लगा दे हवा बरता जा पॉइंट की दूरी हेलो बोल बोल। अरे भूल चादर को यार गुब्बारा है खाली गुब्बारा है दो पॉइंट लगा दे पेन से हवा बढ़ना स्टार्ट करे जैसे गुब्बारा फैलेगा दूरी पॉइंट के बीच की बढ़ेगी तो वहां हवा गुब्बारा फैला रहा है या टेम्परेचर फैला रहा है दूरी बढ़ेगी सिंपल सा सिंपल्ट है भाई तो सीधी सी बात है डिस्टेंस बढ़ जाएगी थैंक यू दोस्तों लो मैं चोइस के बाद पहले आपको क्वेश्चन नंबर थर्टी कर देता हूं एक बार सेम क्वेश्चन है देखो साफ कहता है देखो ये एक रिंग है कॉमन सेंस की बात दोस्तों आप इसको गर्म करोगे ना वो कहता है लंबे दातवी है इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों सब डिस्टेंस बढ़ेंगे है, बढ़ते हैं तो भी कहने का मतलब है गर्म करने पे दोस्तों दूरियां बढ़ती हैं डिस्टेंस बढ़ती है आंसर क्या हो गया तीसरा ये क्वेश्चन नंबर थर्टी मैंने आपको पहले करवा दिया दोनों जुड़े हुए हैं ओके थैंक यू हा डियर ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है टेन ग्राम पानी टेन डिग्री सेल्सियस पे है दो ग्राम भाप हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे है तो इसका अंतिम टेम्पर हंड्रेड डिग्री है थोड़ा सा इसमें सही कर ये डिग्री डिग्री है तो दोस्तों इस मिश्रण का अंतिम क्या है क्लास का क इसका आंसर आएगा सो डिग्री आप देख लो जी बर्फ वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो आंसर क्या रहेगा जीरो डिग्री और भाप वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो आंसर क्या तो आएगा 100 डिग्री सुनो कैसे एक बार बोला फिजिक्स तो, तो टाइम लूंगा आपका मैं अगला कहता है 10 ग्राम पानी 10 डिग्री सेल्सियस पर है और 2 ग्राम भाप 100 डिग्री सेल्सियस को मिश्रित किया गया देखो बच्चों 10 ग्राम पानी 10 डिग्री सेल्सियस पर है यदि मैं इसको 100 डिग्री के सेल्सियस के पानी तक लेके जाना चाहूं तो मुझे इतनी हीट चाहिए कितनी है m 10 s 1 dt 90 दोस्तों मुझे चाहिए नौ सौ कैलोरी दान दे क्लास भूल जा क्वेश्चन को एक बार टेन ग्राम पानी है वो टेन डिग्री सेल्सियस पे है मुझे उसको लेके जाना हंड्रेड पे तो क्यों क्या होती है एम एस डी टी एम कितना टेन ग्राम सारा सीधे समझ मामला एस कितना होता है आप जानते हो तो एक होता है एक कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस डी टी कितना हुआ नाइनटी अब यदि वेपर है और मेरी वेपर सो डिग्री सेल्सियस की मेरी वेपर यदि 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में भी चेंज होती है तो एक ग्राम दोस्तों वो फेज है क्यूक् टू एम m कितना है दो L कितना होता है पांच जिसको 540 कह सकता हूं मैं दोस्तों ये आठ है और यह दस ये एक हजार अस्सी कैलोरी हीट दे देगी यानी मेरा वो जीरो डिग्री से दस डिग्री सेल्सियस का जो पानी था वो पूरा का पूरा सो डिग्री सेल्सियस के पानी में आ गया वेपर अब भी कहां आई है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस की वेपर से कहा ही है? 100 डिग्री के वाटर में ये आंसर क्या हो गया तीसरा रुक रुक, रुक पल्ले पटरी बात करें कोई गुणा भाग नहीं इसकी ये करना अटैक करना ऐसे कुछ जब भी आते हैं ना बर्फ में पानी मिलाएंगे तो उत्तर जीरो डिग्री रहेगा और वेपर मिलाएंगे तो उत्तर 100 डिग्री रहेगा ये ट्रिक है दोस्तों इसका नाम कंपटीशन है फिर सुन ले 10 ग्राम पानी 10 डिग्री सेल्सियस पे यदि सो पे लेके जाऊं तो कितनी चाहिए 900 कैलोरी और 100 ग्राम सेल्सियस के 2 ग्राम वेपर यदि पूरी की पूरी 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में बदल जाए अवस्था परिवर्तन हो रहा है क्यूक्वल टू एम एल एम दो है एल पांच सौ है की बात है दोस्तों एक हो गया चाहिए कितना मुझे को नौ सो देने वाला कितना एक हजार अस्सी मेरा सारा का सारा पानी किसमें आ गया सो डिग्री सेल्सियस के वाटर में आ गया वेपर भी किसमें आ गई वाटर में आ गई यहां भी वेपर वाटर का अभी विक्षण है अब भी हल्की सी वेपर है यहाँ क्योंकि एक हजार अस्सी मुझे मुझे चाहिए मेरी पूरी की पूरी वेपर वाटर में चेंज है, नहीं हुई है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस है लेकिन क्षेत्रीय प्रसार गुणांक लड़के गुणांक को बोलते हैं एरिया वाला इसका नाम है सुपरफिशियल एक्सपेंस मतलब एरिया होता है यानी अल्फा बीटा गामा ये बीटा है कितना बीटा 2 मल्टीप्लाई टेन टू पढ़ भाई अल्फा पूछा है तो भूल गए क्या बीटा इक्वल टू टू अल्फा तो अल्फा बीटा बाई टू तो बीटा बाई टू आप एक से डिवाइड कर दो ये वन मल्टीप्लाई टेन टू पर डिग्री सेल्सियस ये बात अपने पहले कर चुके ओके थैंक यू दोस्तों थ्योरी का बेस्ट वो कहता ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ द रोड द टेम्परेचर ऑफ होल रोड विल बी यूनिफॉर्म ये केवल और केवल तब हो सकता है दोस्तों जब के की वैल्यू क्या हो इन्फिनिटी से इसके कोई रास्ता नहीं है इसका अनंत चालकता होगी तभी हो सकता है नहीं कभी नहीं हो सकता यह संभव नहीं होता है अनंत आप पता अनंत कभी होता नहीं है ये भी कभी होता नहीं ओके थैंक यू दोस्तों क्वेश्चन ट्वेंटी एट ये फिर वही क्वेश्चन है वाटर का अनसिमेट्रिकल एक्सपेंशन किस पे होता है चार डिग्री सेल्सियस पे तो दोस्तों वही ऋणात्मक कब हो जाएगा चार डिग्री से उल्टा जाता है चार डिग्री सेल्सियस पे पानी का ये केवल वाटर में है रहेगा इसलिए इसको अपन याद रखना पड़ेगा अपने को चार डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वॉल्यूम मिनिमम होता है डेंसिटी मैक्सिमम होती है ओके थैंक यू 29 अपने आप में क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट है एग्जाम में आता है वह ने चाह तो 26 जुलाई की प्रॉब्लम बोर्ड पे सॉल्व करने जा रहा हूं दोस्तों इस न्यूमेरिकल का पढ़ना की बाद की बात है इसका एक फार्मूला है थीटा 1 थीटा 2 अपॉन टी के थीटा वन प्लस थीटा टू अपॉन टू रूम थीचर टी टाइम के बस पढ़ी पढ़ी याद है आ पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है अगला साफ कहता है एक वस्तु को 10 मिनट में 60 से 50 ठंडा करते हैं कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री है ये माने की लिखना पड़ता है एग्जाम में ये नहीं है

कम होती है कुलिंग की लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आपके लिए पूरा सोल्ड करूंगा ताकि आपको दोस्तों दिक्कत नहीं आए थी थीटा वन साठ प्लस थीटा टू पचास अपॉन टू थीटा नोट रूम टेम्परेचर कितना भाई पच्चीस बोला है ना तो इसको सोल्ड कर दूं मैं ये एक हो गया हो गया ना एक इक्वल टू के ये क्या है 110 बटे 2 पचपन पचपन माइनस 25 कितने बचे 30 ये लोडियम तो यहां के की वैल्यू आ गई 130 बस बस कलर चेंज करिए आज अब पेनर का, का काम ले दे, तो ढंग से बात करें ना फिर आजा अब अगला क्या कितना 10 डिग्री पर टेम्परेचर क्या है स्टार्ट कहां से होगा रहे 50 माइनस थीटा अपॉन 10 ओ भाई के कितना रहे 1 बाई 30, ओके पचास प्लस थीटा अपोन टू माइनस पच्चीस गुना भाग कर ले भैया आंसर तेरा यही आएगा चेक करके देख ले एग्जाम में करना नहीं होता इतना गारंटी है इकतालीस हाँ, भी हो, हो तो दिक्कत होती है ओके थैंक यू डियर क्वेश्चन नंबर थर्टी वन करने से पहले एक मास्टर चीज देख लो आप तो मास्ट चाबी है पेज खाली करना भाई देखो डियर मै शायद इधर हीट इधर टेम्परेचर मैं इस वीडियो का सबसे श्रेष्ठतम आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं आप भूल जाओ उस ग्राफ को माना कि मेरे पास ठोस है बर्फ ले लो आप मेरे पास बर्फ है मैं उसको उष्मा देना स्टार्ट करता हूं तो पहले दोस्तों सारी बर्फ चेंज होगी पानी में पहले जीरो डिग्री की सेल्सियस की बर्फ चेंज होगी जो डिग्री के पानी में फिर आपकी हीट लगातार जा रही है तो जीरो डिग्री के पानी का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा वो जाएगा सो डिग्री सेल्सियस तक जैसे सो डिग्री सेल्सियस आ गया पानी पानी उबलना शुरू होता है फिर जब तक सारा पानी नहीं उबल जाता है तब तक जो तुम हीट दे रहे हो वो टेम्परेचर राइज नहीं करती है वो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस के वाटर को दोस्तों कन्वर्ट करती है हंड्रेड की वेपर में तो यहां दो चीज है एक है क्यूक्वल टू एम एस डी टी एक क्यूक्वल टू एम एल एम एस डी टी टेम्परेचर राइज करने के काम आता है और इक्वल टू एम एल अवस्था परिवर्तन में काम आता है तो डियर ये है मेरा शानदार पॉइंट ए ये ले यार ओ ये ए ये बी ये सी ये डी ओ से ए क्या है एमएसडी टी ए से बी क्या है एम एल बी से सी क्या है MSTTC से D फिर क्या है रे टेंपरेचर दोस्तों A पर माना कि ये पांच डिग्री है तो ये पांच डिग्री की बर्फ है तो B पर वो पांच डिग्री का पूरा पानी हो दे रहा हूं ये मानो 100 डिग्री है तो C पर दोस्तों 100 डिग्री का वाटर है और D पे 100 डिग्री की वेपर है याद करो 100 डिग्री की वेपर हंड्रेड डिग्री के पानी से अधिक खतरनाक क्यों होती है क्योंकि यह एल इज लेटेंट हीट उसमें गुप्त सुमा पाई जाती है लेटेंट हीट पाई जाती है दिस इज लेटेंट हीट ऑफ आइस दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपर यह है डियर सही कहानी अब सुनो यदि मेरे को जीरो डिग्री के पानी को दस डिग्री के पानी में चेंज करना है फॉर्मूला काम आएगा एमएस यदि मेरे को वेपर तक जाना है तो एम एस डी टी प्लस एम एल दोस्तों कहीं एम एस डी टी काम आएगा कहीं अकेला एम एल देखो ओ से सेवल एमएसडी टी काम आएगा ए से बी केवल एमएल काम आएगा बट ओ से बी जाओगे तो एम एस डी टी प्लस एम एल काम आएगा क्लियर एल लेटेंट हीट है एस स्पेसिफिक अवस्था परिवर्तन है

ये बड़ा कंफ्यूज मामला है ओके थैंक यू दोस्तों क्वेश्चन थर्टी टू थर्टी टू को पढ़ने से पहले बता दू मैं हीट ट्रांसफर के तीन रास्ते हैं कन्वेक्शन कंडक्शन रेडिएशन संवन चालन विकिरण विकिरण तो हाई टेम्परेचर की बॉडी से डेवलप होता है ठीक है डियर कंडक्शन जो है वो सोलिड के अंदर होता है मूल रूप से जहां उसमें उपरेचर हाँ से लो टेम्परेचर जाती है सवन जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी या मैं कहूं थोड़ी सी बात को मॉडिफाई करूं रेडिएशन ड्यू टू हाई टेम्परेचर रेज इमिट होती है कंडक्शन हीट फ्लो होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर यानी कंडक्शन जो है वो टेम्परेचर के डिफरेंस से होता है बट कन्वेक्शन जो है वो ग्रेविटी के डिफरेंस से होता है गुरुत्वीय अंतर से होता है

टू मल्टीप्लाई टेन टू पावर माइनस और दिस इज डी ये कैंसिल आउट ये इधर आएगा के 3, 3, तो के बाद माइनस तीन ऊपर प्लस तीन तो आंसर क्या आ गया दोस्तों केल्विन अब आप कहोगे साहब ये तो डिग्री सेल्सियस में दोस्तों डी टी है चेंज है चेंज हमेशा किस किसमें होता है केल्विन होता है क्योंकि सेल्सियस कोई गुणा भाग होती ही नहीं है

बस कुछ नहीं कहता अगला ये थीटा निकालना है ठीक है भाई तो मैं इस डायग्राम को बना लू उसके बाद बोर्ड खाली करूंगा मैं एक रोड दोस्तों के ये है ये के है ये हंड्रेड डिग्री सेल्सियस है और ये आपका जीरो डिग्री सेल्सियस है और ये आपका थीटा है जो दोस्तों हमें निकालना है ये लेंथ आपकी कितनी है भाई एट्टीन सेंटीमीटर है और ये लेंथ दोस्तों आपकी सिक्स सेंटीमीटर चलो भैया खाली कर दे बोर्ड को बस डियर अब इसको निकालने के तो जानता है कि सीरीज में है तो सीरीज में एच क्या होगा रहे? समान एच क्या होता है के ए थीटा वन माइनस थीटा टू इक्वल टू एल ओके शुरू करें तो आजा इसका के क्या है रहे नाइन के एरिया दोनों का सेम है तो ले एरिया लगा दे अब देख बड़ा माइनस छोटा बड़ा फिक्स है बड़ा माइनस छोटा तो 100 थीटा अपॉन 18 इक्वल टू इसका के के है ए ए है बड़ा कौन है थीटा माइनस 0 अपॉन क्या है भैया 6 ये गांठ बांध ले बड़ा माइनस छोटा दिमाग की जरूरत ही नहीं है के ए से के ए कैंसिल आउट कर दे भाई ये नौ से तेरा दो कैंसिल आउट हो गया ये तेरा तीन कैंसिल आउट हो गया तो ये तेरा 300 3 थीटा टू थीटा 300 4 थीटा

L upon a r equal to rho L upon a ya एक ही बात है रो की जगह एक बटा k लिया सीख लेतू तो यार रो रेजिस्टिविटी है k कंडक्टिविटी है अगला साफ कहता है भाई r बराबर है ओके तो इसका दोस्तों L one k की जगह 5 k upon a ये दोस्तों क्या है L two ये तेरा क्या है 4 k a a cancel out ये ले L one upon L two equal to 5 upon 4 निकाल आंसर क्या भैया फाइव अपॉन फोर ए ये देख फाइव अपॉन फोर आ गया थैंक यू दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स जो है ना ये थोड़ा सा भाषा घुमा रहा है इसकी मूल भाषा बताऊं क्या है स्पेसिफिक हीट जो होती है ना एक होती है आइडियल गैस आइडियल गैस की स्पेसिफिक हीट टेंपरेचर के साथ वेरी नहीं करती है या यूं कह दे स्पेसिफिक हीट डिपेंड इन ऑन टेम्परेचर इन आइडियल गैस बाकी आपके रियल गैस हो चाहे सोलिड हो लिक्विड हो कहीं ना कहीं होगा वेरिएशन दोस्तों वहां क्या होता है कि आपका जो क्यू है वो टीस का डायरेक्टली प्रपोशन हो जाएगा इसलिए आपका आंसर क्या होगा दोस्तों इसका थर्ड हो गया ये ठीक थोड़ी का प्रश्न कह सकते हैं इसको याद रखना रहे आइडियल गैस की स्पेसिफिक हीट डिपेंड नहीं करती है टेम्परेचर पर बाकी की टेम्परेचर डिपेंड करती है बस ये मोटी सी बात यह है हो सकता है गलत हो टेक्निकली बट एग्जाम के हिसाब से लाइन बिल्कुल सही है थैंक यू अब ये तो दोस्तों सिंपल हो गया क्वेश्चन है अगला साफ कहता है कि कौन सा टेम्परेचर इक्वल है एक बात तो याद रखना है एक तो वो याद रखना माइनस फोर्टी डिग्री चाहे से सेल्सियस हो से माइनस फोर्टी डिग्री फेरनाइट हो बराबर है कई बार आता है डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फेरनाइट पैमाने में वो कौन सी डिजिट है जो तो इक्वल होती होती है माइनस फोर्टी दिमाग मागी से बोल दिया अब यहां इनको आपको इक्वल करना है यार अगला साफ कहता है इक्वल करना है तो भाई आ जा रहे देखो ए माइनस फोर्टी टू अपॉन हंड्रेड इसको भी ए कह दे फिर यार ए माइनस टू अपॉन टू भी हो पाएगी ना इसे इस कैंसिल आप दो से फिर डिवाइड कर दो ये पांच हो गया ये ग्यारह हो गया तो इसको आप गुणा भाग करेंगे दोस्तों आप करके देख लें। लो कर दूं आपके लिए मैं ये क्या है इलेवन ए माइनस ग्यारह दूनी बाईस हाथ की दो ग्यारह चौक चालीस चार सौ बासठ इक्वल टू फाइव ए माइनस दस और ये छत्तीस ठीक है इसको इधर लेके जाओ तो क्या बना भैया सिक्स ए और ये तीन सौ साठ है ये चार सौ बासठ है कितना बचेगा भाई निकालो फटाफट ये थ्री सिक्सटी है ना ये फोर सिक्सटी टू इधर आएगा तो दोस्तों आप गुना भाग कर लो आंसर क्या होगा आपका सेवनटी डिग्री आ गई सी बात है थैंक यू क्वेश्चन नंबर दोस्तों थर्टी एट थोड़ी का बहुत तरह क्वेश्चन है एक्सपेंशन ड्यूरिंग हीटिंग गर्म करने के दौरान प्रसार केवल ठोस में होता है ना पदार्थ का भार बढ़ता है पदार्थ का घनत्व घटता है दोस्तों ये है सही चीज सभी ठोस के दोस्तों इसका डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल ये दोस्तों सही है वो पानी की एक बात नहीं करेंगे वो पानी चार डिग्री सेल्सियस सेल का तो नाम ही असंगत प्रसार है एक्सेप्शन प्र, है वो तो ये एक आपके सामने ये बहुत थोड़ी का ठीक सा ओके थैंक यू दोस्तों सांबर थर्टी नाइन फिजिक्स तो बाद में बात करें पहले क्या है? ये कहता है एक द्रव्य जिसका आयतन प्रसार गुणा गामा है आपने गर्म करना शुरू किया तो बगौनी का, तो का पदार्थ आपका जो बगोनी है पात्र है वो भी एक्सपेंड होता है और पानी भी एक्सपेंड होता है अब सोचो कि पहले लबालब भरी हुई थी बगोनी अब जितना एक्सपेंशन बगोनी में हो गया उतना ही एक्सपेंस लिक्विड में हो गया तो पहले भरी हुई थी अभी भरी हुई है यदि उस पात्र में हो गया, तो पानी का लेवल नीचे आ जाएगा। नोट पानी, बोल दूंगा मैं। और का हो गया तो बाहर आ जाए कॉमन सेंस की बात है बस तो तेरे सामने सामने भैया कुछ नहीं लगभग नियत रहेगा क्यों ये गामा है, गामा थ्री है वन थ्री किस में है लिनियर में है तो तीन टाइम काम करता है तो बराबर हो गया क्लियर कोई फिनिश लगती नहीं इसमें तो यार यू डियर क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन में एक सुंदरता यह है कि इसने लीटर एल्कोल दिया है इसने के जी नहीं दिया थोड़ा सा यहां ध्यान चाहूंगा मैं वो कहता है वन लीटर ऑफ एल्कोल वेट एक लीटर एल्कोल का भार मैं जानता हूं दोस्तों भार जो है वेट जो है वो मेरा डीवीजी होता है बस ध्यान दो और मुझे पता है यार टेम्परेचर बढ़ने पर डेंसिटी डिक्रीज होती है हेलो कौन सी सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा डेंसिटी डिक्रीज होगी अरे कॉमन बात है डेंसिटी क्या होती है सगंधा नहीं होती है क्या टेम्परेचर बढ़ाओगे लिक्विड पतला होता है डेंसिटी हो तो कम होगी डेंसिटी हो कम होगी हो तो बाहर भी कम हो गया तो सिंपल सी बात दोस्तों गर्मियों में सर्दियों से कम हो जाएगा प्रश्न बचपन में बढ़ा न एक बर्फ की सीली है उस पे से तार लटकाया और तार जैसे जैसे सीली को पार करता है वो आपस बर्फ वापस ऊपर जुड़ जाती है कोई तो क्वेश्चन है बस तो बर्फ का गलन बिंदु दाब बुर्दी के साथ घट जाता है बर्फ की ज्यादा बर्फ की सीली थी तार लटकाया जैसे बाहर बढ़ा बर्फ पिघल गई तार नीचे पार हुआ बर्फ वापस एड हो जाती है तो, तो सिंपल सी बात है इन डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग इन प्रेशर ये छठी की साइंस पढ़ते हैं लोग यार थैंक यू दोस्तों क्वेश्चन टू बिल्कुल सिंपल है पहाड़ के ऊपर हाइट पे हमें खाना बनाने में दिक्कत होती है दिक्कत दोस्तों सी बात ये होती है कि वहां पानी जल्दी उबल जाता मान लो पानी में आप दाल डाल रखी है तो पानी जल्दी उबल गया तो पानी उबल गया तो दाल उबल नहीं आपकी इसलिए इसका बिल्कुल सिंपल आंसर हो गया आपका लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो प्रेशर सीधी सी बात है वहां जल्दी उबल गया लो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है तो पानी हंड्रेड डिग्री में उबलेगा तो आपकी दाल को तो पका देगा पर पानी तो पहले के बॉइल होकर चला गया तो दाल तो कचरे जाएगी हाँ कुकर वहां हो तो कुकर में दिक्कत नहीं होती कुकर तो क्या काम करता प्रिंसिपल ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है पहाड़ के ऊपर जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है ड्यू टू तो लो प्रेशर ये थोड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है थैंक यू 43 दोस्तों आप जानते हो ठंडे प्रदेश में पानी के पाइप फट जाते हैं दोस्तों सीधी सी बात है बर्फ के पानी के जमने पे बर्फ का आयतन बढ़ता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड हेलो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बर्फ का वॉल्यूम पानी के वॉल्यूम से ज्यादा होता है इसीलिए उतने ग्राम का पानी उतने ग्राम की बर्फ हो तो बर्फ की डेंसिटी कम हो जाती है इसीलिए बर्फ पानी पे तैरती है ओके थैंक यू दोस्तों क्वेश्चन फोर्टी फोर यू कहूं पिछले पांच छह क्वेश्चन थोड़ी क्या है उसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अपने आप में आया ये ध्यान से बैठोगे बड़ो प्रश्न क्या है कहता है कोपर के पात्र में द्रव्य का आभासी प्रसार गुणांक C है और चांदी के पात्र में उसका आभासी प्रसार क्या एस आभासी मतलब एप्रिंट अब वो कहता है कि यदि कोपर का लिनियर एक्सपेंशन A है तो चांदी का लिनियर एक्सपेंशन आपको बताना है दोस्तों यहां एक मास्टर फॉर्मूला होता है गामा एप्रिएंट इक्वल टू गामा रियल माइनस गामा सोलिड अब रियल तो बराबर दोनों का कोपर का हो चाहे चांदी का हो बस कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा आ जा। तो मैं यहां लिख दोस्तों कोपर और यहां लिख दू एजी तो ये तेरा गामा रियल इक्वल टू क्या होगा जी गामा एप्रिएंट प्लस गामा सोलिड वो कॉपर के लिए आएगा वो ही एजी के लिए आएगा बेटा दो आ जा तो इधर तेरा कोपर लिखा हुआ है इधर तेरा एजी लिखा हुआ है तो गामा एप्रिएंट कोपर प्लस गामा सोलिड कोपर इक्वल टू गामा एप्रियंट एजी प्लस गामा सोलिड एजी ठीक है डियर? तेरे क्या पूछ रहा है चांदी का अल्फा पूछ रहा है अल्फा किसका पूछ रहा है चांदी का आजा गामा एपरियंट कोपर क्या कह रहा है ये रहा। कोपर के पात्र का आवासी कितना है सी गामा, तो गामा सोल्ड कोपर क्या कहोगे आप येरा कोपर का ए है तो ए तो है गामा है तो थ्री ए हो जाएगा सीधी सी बात ही है ओके डियर आगे चले तो गामा एपरियंट एजी कितना है एस है और ये गामा सोल्ड एजी तो इसको तो ऐसा कर थ्री अल्फा एजी कह दे बस अब तेरे को निकालना देखिए आ गया सी प्लस थ्री ए माइनस एस अपॉन थ्री सी प्लस थ्री ए माइनस एस अपॉन थ्री ये आंसर आ गया भले पड़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई ये बहुत सा फॉर्मूला प्लीज फिर सुन लो गामा एपरियंट इक्वल टू गामा रियल माइनस गामा सोलिड ओके थैंक यू हाँ हमारा पंच नंबर टेन है रिवाइज नीट फिजिक्स फोर्टी आवर का दसवां पंच हम लोग अंतिम क्वेश्चन के पढ़ाव पे आ गए हैं और क्या करते हैं क्या करें इसे? चलो एक आदर्श गैस के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे आयतन प्रसार गुणा दोस्तों दान सुना रहे कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ये दोस्तों क्या होता पता है डेल्टा वी अपॉन वी मल्टीप्लाई डेल्टा टी ये निकालना बड़े सिंपल प्रॉब्लम है कुछ पी वी टू एन आर टी पी कॉन्स्टेंट है तो एक बात गांठ लो भाई देखो लेफ्ट साइड में कोई चेंज करोगे तो राइट right साइड में कोई चेंज करना ही पड़ेगा P कांस्टेंट है तो चेंज हो सकता है नहीं V में चेंज किया तो N में चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ये अमाउंट ऑफ गैस है तो एक बार क्वेश्चन स्टार्ट हो गया तो फिर चेंज नहीं हो सकती R कांस्टेंट है तो अपना भी कौन चेंज हुआ dt दोस्तों आप ऐसा करो इनको डिवाइड कर लो लो तो pv pv n r dt n r t ठीक है डियर अब तो खुद देख रहे हैं p से p कैंसिल आउट n से n कैंसिल आउट इससे से कैंसिल आउट आपको क्या चाहिए डेल्टा v डेल्टा v v डेल्टा t तो दोस्तों आंसर आ गया आपके सामने सामने उन अपॉन टी ये वन अपॉन टी बच गया आपका ओके थैंक यू हाँ बच्चों ठीक है भाई तो ये आपका हीट ट्रांसफर थर्मल एक्सपेंशन और कैलोरीमेट्री पे क्वेश्चन हो गए दोस्तों तो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि पंच के नाम पे पूरी फिजिक्स को हमने 20 टॉपिक डिवाइड कर रखा है 20 के 20 टॉपिक का 45 क्वेश्चन एक में रखते हुए वीडियो सॉल्यूशन आप तक पहुंचाएंगे नो वीडियो मेरे सूट हो चुके हैं अपलोड हो चुके हैं आज ये 10वां मैंने खुद फिर लोड शूट कर दिया है अपलोड कर रहा है आपके लिए ओके डियर एक से 6 महीने करवाए 7 8 9 हमारे किशोर जी ने करवाए किशोर सर ने करवाए और दसवां फिर मैं करवा रहा हूं अब हीट का एक पार्ट टोर अगला ग्यारह वो आपको जल्दी मिल जाएगा ओके डियर आप सब जानते हैं आपके सीएलसी ऑनलाइन बहुत अच्छा काम कर रही है दोस्तों नीट 2020 और जय 2020 के लिए आपके अपने सीएलसी 4 जून से डेली टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रही है जो सारे बच्चों के लिए फ्री है इंडिया का कोई बच्चा दे सकता है रोज एक टॉपिक का टेस्ट होगा हर संडे मेजर टेस्ट है ठीक है डियर इसके लिए आप सीएलसी लाइव डोटिंग पे जाएं शेड्यूल पड़ा है उसको फॉलो करें और दोस्तों सीएलसी लाइव डोटिंग पे खेलना सीख लें मजे करना सीख लें 26 जुलाई आपकी होगी जे मेन आपकी होगी थैंक यू जय सीएलसी